पर होते हैं। नवनीत भगवान के रूप में इनको कहा जाता है क्योंकि मक्खन बहुत प्रिय है उनको, तुलसी बहुत प्रिय है उनका, श्रृंगार आप देखिए कि रोज अद्भुत तरीके से किया जाता है। और अष्टयाम जो सेवा की जाती है वहां पर संगीत के माध्यम से, जो जिसमें सूरदास भी एक अष्ट अष्टलासों में शामिल है, सूरदास, कृष्णदास, बहुत सारे नाम मुझे नहीं याद हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मधुर मधुर संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। और हर समय झांकी जो इस वक्त देखेंगे तो उसका उसकी छटा बिल्कुल अलग होती है। भगवान बिल्कुल आपको सजे सवरे दिखाई देते हैं, सुबह सुबह केवल उनका मुखड़ा दिखाई देता है। तो अलग अलग छवि भगवान श्रीनाथ की, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो दर्शन देते हैं, उसका दर्शन लाभ लेने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो कोने कोने से भारत के यहाँ पर पधारते हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं देश के कल्याण की, दुनिया के कल्याण की, और साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे की जो सुविधाएं हैं उनकी भी कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत दृश्य। और ये दृश्य एक तरह से कैमरे में कैद करने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए आपको शायद भगवान श्रीनाथ के दर्शन नहीं हो रहे होंगे, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत रूप होता है जब आप स्वयं जाएंगे नाथद्वारा में, और वहाँ की जो ऊर्जा है महसूस करेंगे आप, महसूस करेंगे कि किस तरह से अष्ट सखा के रूप में सूरदास और कृष्णदास और जो दूसरे उनके सखा हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पीछे लगी हुई हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री उनके पीछे जो कुछ तस्वीरें लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, वो अष्टदासों की तस्वीरें हैं जो कि पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और उसको प्रतिपादित करने में वल्लभाचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका है। पुष्टि मार्ग ये विश्वास करता है कि भगवान को बाल रूप में हम खूब छकाएं, खूब उनकी सेवा करें, खूब उनको खिलाएं पिलाएं, और एकदम उनको कोई भी परेशानी न होने पाए, तो उनको बहुत ही आराम से जगाया जाता है, बिना किसी परेशानी के आराम से उनको बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र दिए जाते हैं, बाल रूप में उनको हीरे मोतियों से सजाया जाता है। और जो पूरा ट्रस्ट है, आपको पता होगा कि कोकिला बेन जो कि अंबानी जी का परिवार है उसको देखता है, और ट्रस्ट के मुखिया भी हैं जो कि इसका संचालन करते हैं, इसलिए भी गुजरात के लोगों का जुड़ाव इससे बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो गुजरात से ही आकर के यहाँ पर हमेशा पड़े रहते हैं। अगर मैं कहूँ वहाँ के जो पास में आश्रयशाला है, धर्मशालाएं हैं, वो गुजराती दर्शनार्थियों के साथ एकदम अटी पड़ी रहती हैं। और इस वक्त आप जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें जो खास तौर पर जो पगड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई जा रही है, और कुछ कुछ आपको दृश्य समझ में आएगा कि ये ग्वाल बालों की पगड़ी है जो कि भगवान गैया चराते समय कुछ धारण किया करते थे। और ये देखिए कुछ ग्वाल बाल का जो स्वरूप है वो प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप देने की कोशिश। और ये जो प्रसाद होता है नाथ द्वारा का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है, जिसमें भगवान वहाँ की जो देशी गाय है, गौशाला में आपको बताएं कि कम से कम 1500 गायों की जो सेवा की जाती है, और वहीं के जो शुद्ध देशी गाय हैं वहाँ की दूध का सीधे सप्लाई जो है वो नाथ द्वारा के वो बनाइए। देखिए आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर हाथ आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऊपर गोवर्धन माना जाता है, ये गोवर्धन भगवान को जब उन्होंने उठाया था